नमस्कार, गिफ्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए देखते देश और दुनिया की ताजा खबरें। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर पत्र। बेंगलुरु में विदेशी नागरिकों पर राज्य गृह मंत्री जी परमेश्वर ने केंद्र को घेरा, कहा यह केंद्रीय एजेंसियों की असफलता। मुड़ा मामला, लोकायुक्त अधिकारियों ने सीएम सिद्धरामैया की पत्नी को आवंटित 14 भूखंडों का क्या निरीक्षण। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउस अवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित किया। इंडिगो एयरलाइंस में सिस्टम आउटेज, बुकिंग व चेक इन प्रणाली में लग रहा काफी दर्द। सीएम योगी ने की अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात। गुजरात के वडोदरा और राजकोट एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पटना जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की उठी मांग। सावरकर मानहानि मामले में पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर के लिए भेजा समन। कांग्रेस के पास न नीति है या नियत, सीएम नायब सिंह सैनी। कुपवाड़ा के गुगलधार में चल रहे एनकाउंटर में भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। दिल्ली के 5-स्टार होटल में महिला के साथ दुष्कर्म, 1 साल पुराने मामले में 3 अक्टूबर को हुई एफआईआर। हरियाणा के लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले और कांग्रेस को वोट करें राहुल गांधी। बारामूला के संगरी में एनआईए की छापेमारी, आतंकी गतिविधियों को लेकर हो रही कार्रवाई। आपका एक वोट हरियाणा को खर्ची पर्ची राज और भ्रष्टाचार से मुक्त करेगा, अमित शाह। यूपी अमेठी हत्याकांड का आरोपी चंदन वर्मा पुलिस एनकाउंटर में घायल, फिर भी लगी गोली। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव, ईवीएम में तय होगी 1031 उम्मीदवारों की किस्मत। पाकिस्तान दौरे के बीच भारत में बैन किया गया साकिब नायक का एक्स अकाउंट। मुंबई लोकल ट्रेनों के लिए 5 अक्टूबर से लागू होगी नई रेल समय सारणी। आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, कोल्हापुर में नागरिक समाज के सदस्यों से करेंगे बातचीत। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 अक्टूबर को होगी टाइम लैंडिंग, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल। बिहार आज पटना में होगी जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक। पूरे परिवार की हत्या के बाद चंदन ने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की, अमेठी केस पर पुलिस। अमेठी परिवार के मर्डर पर पुलिस कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मिली नारायण की जिस कार शोरूम पर हुई थी फायरिंग, वहां फिर मिला धमकी भरा लेटर। गिफ्ट एक्सप्रेस में इस वक्त के लिए इतना है। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।